Dr. Ambedkar in his constitution gave each citizen the right to vote. We must recognize the value of this vote and keep it, use it wisely to ensure our rights and to take our struggle forward. संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? देश के अंदर मनुवादियों की ताकत, जो मतलब भाजपा की सरकार है उसको हम एक मनुवादी सरकार मानते हैं, तो हमारा ये मानना है कि मनुवादियों की ताकत बहुत बढ़ गई है और हमारे संविधान को खतरा पैदा हो गया है। और इसका सबसे दुष्परिणाम ये होगा कि जो हमारे देश की दलित जनता है, आदिवासी जनता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब शोषित जनता है और महिलाएँ हैं, उनके तमाम अधिकार बहुत जल्दी उनके हाथ से निकल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति है, इसके ज़रिए से शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण किया जाएगा। कहीं भी उसमें स्कॉलरशिप की, गरीब बच्चों की कोई बात ही नहीं है। जो पूरा निजीकरण चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का, उसका मतलब ये होगा कि जो आरक्षण से कुछ नौकरियां मिल गई थी लोगों को, वो भी अब उनको उम्मीद नहीं रहेगी, वो आरक्षण से नौकरियां भी अब मिलने वाली नहीं हैं। तो हमने ये भी मांग की है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये निजीकरण की नीति खत्म होनी चाहिए। और जो ये मनरेगा का कानून बनाया गया था, आज हम देख रहे हैं कि इसके लिए सरकार का जो खर्चा है वो कम हो रहा है, लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, लोगों को मनरेगा का काम भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब जो कुछ भी लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है, दलित समाज ने हासिल किया है, वो उनके हाथों से जा रहा है। और दलित महिलाओं की तो हालत ये है और बच्चियों की कि सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के शिकार वो हैं, ख़ास तौर से भाजपा शासित राज्यों में। अभी हमने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखा, रोज़ 8-10 औरतों के साथ बलात्कार होता है और 8-10 हत्याएं होती हैं। तो ये सारे मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, बड़ी पार्टी कहती है, विपक्ष की पार्टी कहती है, उनको भी ये मुद्दे, जो आम जनता और गरीबों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे हैं, उनको वो मुद्दा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो भी करीब करीब उन्हीं आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं जो भाजपा करती है। हम मजदूरों की मांगों को लेकर, जैसे कि नरेगा का काम है, 200 दिन का काम चाहिए और 600 रुपए दिहाड़ी चाहिए, और शिक्षा का मतलब है, भूमि का मतलब है, और मजदूरों की मांगों को लेकर हम आज पूरे भारत के मजदूर संगठनों से आकर यहाँ जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति को मांग पत्र दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। दुख के कारण रोजगार के लिए आए बच्चे, उनको कोई रोजगार नहीं है, हमारे बस की कमाना नहीं है, आगे समझ। अच्छा, हम भी बीमार है, हमें दवाई भी नहीं मिलती असली, जो दवाई पैसे की है वो कहाँ से लाए। कोई मदद है जाए, सिनी को उसकी बीमारी लिखरी भई है, और पहाड़ में काम किए आदमी खत्म है लिए, विधवा औरत कमा रही हैं, खा रही हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती है, बेलदारी करते हैं, इसलिए बच्चे नेपाल रही हैं, आदमी नह गए, 33 साल मरे, पहाड़ का काम करते करते खान में, करे सलन में, सब में करा है काम, लोड भरते भरते पत्थर खाया है, तो इसलिए ही जुड़े हुए। हॉस्पिटल में इलाज कराया था, पर सिलिकोस की बीमारी लिख रही, पत्थर लिख रहा है सीने में, सांस चलता है, इसलिए जुड़े हुए।
दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।